तो अभी CBSE बोर्ड्स क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ना ऐसा 100% आया है। 100% का इसमें मैं गलत नहीं बोल रहा, तुम गलत नहीं सुन रहे। 100% 99.8 99.6 मजाक ही बन चुका है। CBSE बोर्ड का तो लिटरली मजाक बन चुका है। तो मैं यही इमेजिन कर रहा था ये जो चेकर्स होते हैं ये कौन से नशे करके बैठते हैं पेपर चेक करने के लिए। ओहो कितने सारे पेपर चेक करने हैं यार। चलो कोई नहीं, करते हैं शुरू। अरे डार्लिंग का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ डार्लिंग। अरे नहीं नहीं, वो बस पेपर चेक कर रहा था, फ्री हूँ, एकदम फ्री हूँ। अरे बोर्ड्स, 12th बोर्ड्स के पेपर CBSE। हाँ, अरे नहीं नहीं, फ्री हूँ फ्री हूँ, तुम करो बात। हाँ, अरे एकदम बढ़िया हूँ, खाना खा लिया है। 100 आउट ऑफ 100। नहीं, वो तो तुम हो ही, ये इस स्टूडेंट को दिया मैंने 100 आउट ऑफ 100। अरे अरे क्या पेपर लिखा है, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग। हाँ ये एक सेकेंड, दीपिका पादुकोण। अरे नहीं, वो तो तुम लगती हो, ये स्टूडेंट का नाम है दीपिका पादुकोण। क्या प्यारा नाम है, 100 आउट ऑफ 100 नाम पे ही दे देंगे हम तो। बढ़िया। अरे बाप रे क्या हैंडराइटिंग है, पेपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं। 100 आउट ऑफ 100। नहीं, तुम अपनी बातें करती रहो, हम कर रहे हैं, पेपर चेक कर रहे हैं। इसकी हैंडराइटिंग नहीं पसंद आई हमें। ये 81, पता नहीं 81। अरे नहीं भी होंगे तो क्या हो गया, रीचेक करा लेंगे, हमारे बाप का क्या जा रहा है। हाँ अरे हाँ, अरे हाँ एकदम बढ़िया। हाँ मम्मी के घर जा रही हो, एक और को 100, ले इसको भी 100। अरे अब बस खत्म करने हैं पेपर हमें जल्दी से। इसको भी 100, इसको भी 100, इसको भी 100, इसको भी 100, सबको 100, सब पास, सब टॉप हो गए। जय माता दी, लेट्स रॉक। आग लगा दी, आग लगा दी। क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा तुषार को 8 स्ट्रीम में 500 में से 500 अंक मिले। तुषार बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आपको, आप पूरे नंबर ले आए, टॉपर बन गए। एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट? अभी क्या ही बोला जाए मैम, एक्सपेक्टेशन वर्ड सुनते ना मैं ऐसा इमोशनल हो जाता हूँ, मुझे रोना आने लग जाता है। क्योंकि सच्ची बताऊँ तो मैंने तो ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किए थे, एटलीस्ट 8-10 हज़ार नंबर। लेकिन ये साले बिक गए हैं, इन्होंने मेरे को सिर्फ 500 नंबर दिया है। सिर्फ 500 मैडम, अजी शौक लगा है, शौक। ओनली 500 नंबर के लिए एफ इन द चैट गाइस। ये बताइए जब रिजल्ट आया कल तो रिएक्शन कैसा था घर वालों का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, सबका? मैडम देखिए घर वाले तो काफी खुश थे, लेकिन फ्रेंड्स, अरे काहे के फ्रेंड्स, नाम के साले नल्ले नकारा नकली, अरे जलते हैं मेरी कामयाबी से। मैं हूँ देखिए पैदाइशी टॉपर, भगवान ने ना ऐसे ऊपर से ठप्पा लगा के भेजा था कि ये लड़का एक दिन टॉप करेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन ये दोस्त साले सबके सब सपोले सड़ रहे हैं मेरी कामयाबी से। और सोशल मीडिया उस पर एक्टिव रहे आप या वो मेरी कट डाउन किया? मैम सोशल मीडिया में थोड़ा थोड़ा चलाता रहता था ताकि मुझे अपडेट्स मिलते रहे। मैं इंस्टाग्राम चलाता था मैम, और YouTube पे मैं बहुत एक्टिव रहता था। एंड YouTube पे ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस तो मैं कभी मिस नहीं करता था। मतलब सच्ची बताऊं तो मैंने इतनी पढ़ाई सिर्फ इसीलिए करी ताकि एक दिन ट्रिगर्ड इंसान मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बना सके। नहीं मतलब 500 में से 500 नंबर मैं लाया क्यों, इसीलिए ताकि ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो में आ सकूं, ताकि वो मेरा रोस्ट कर सके। बताओ मतलब इज्जत तो है नहीं कुछ, 500 नंबर लाने की भी कोई वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो रोस्ट ही हो रहा है अपना। नमस्कार मम्मी, देखो मैं कैसे एकदम ऐसा बटन बटन बंद करके स्कूल का स्टूडेंट बन के आया हूँ, आज्ञाकारी स्टूडेंट, ओबीडिएंट स्टूडेंट। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा अभी 10th और 12th का मम्मी रिजल्ट आया एंड माइंड ब्लोइंग रिजल्ट रहा है इस बार। हाँ, सबका बहुत अच्छा। 100% आया लोगों के। तो ऐसे ही मैं इन लोगों के इंटरव्यूज वगैरह देख रहा था एंड तभी मेरे को एक आइडिया आया और एक स्टोरी भी आई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम एक डिफरेंट टाइप की वीडियो बनाए। यूजुअली हम क्या करते हैं, या तो सिर्फ हम रोस्ट कर रहे होते हैं या हम एक स्टोरी सुना रहे होते हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना मिक्स कर दिया था। ये एक टॉपर है, इस बंदे के 499 मार्क्स आए हैं 500 में से। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इन भाई साहब का। सिद्धांत आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, 499 मार्क्स। क्या पढ़ाई की थी आपने, ऐसी ज्यादा नहीं करा था, इट वाज जस्ट दैट कि ज्यादा नहीं करा तो इसके 499 आए। अगर बाय चांस सोचो ज्यादा कर जाता ये तो 6-7 हज़ार ले जाता। कुछ बोल भी कैसे सकते, ज्यादा नहीं करा तब वो बस 499 मार्क्स आ गए। अरे शर्म करो। 1 मार्क जो था वो इंग्लिश में रह गया तो इसका क्या दुख है आपको या खुशी है अभी भी? तो ऑब्वियसली है कि एक फ्रॉमवेयर रह गया। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ऑब्वियसली है कि एक फ्रॉमवेयर रह गया। जो मिल गया उसमें खुश रह। रिएक्शन देख रहे हो? एक दुख तो ऑब्वियसली है, एक नंबर पूरा कम है भाई। जाना पड़ेगा मम्मी, अभी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मेरे को, जाना इसको जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मोदी जी तक अपील करनी पड़ेगी। अच्छा बोले ऐसा होता है कि वो एक नंबर, इतना दुख है अगले को। शिक्षा मंत्री के पास जाना पड़ेगा इसको, शिक्षा मंत्री। बट इट वाज जस्ट दैट कि आई फील कि वो स्टोरी राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग में कहीं रह जाता है। तो वैसे हर बार लड़कियां टॉपर होती हैं, तेरे को भी याद है ना, तुम्हारी बार में भी तू लड़की से ही रह जाता होता था हर बार। दिस इज, ये आपने बहुत गलत बात करी है। जेंडर इक्वालिटी करते रहते हैं हम, लड़कों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। लड़के इस बार लड़के ने बात, वो बात अलग है, वो बात अलग है कि हाँ मेरे टाइम पे हमेशा लड़कियां टॉपर होती थी। मैं कितनी भी मेहनत कर लेता था, कुछ भी मतलब सेकंड ही आता था, फर्स्ट नहीं आ पाया। सेकंड ही आता था। हर बार लड़कियां बाजी मारती थी। काजू कतली जो थी ना, वो भी हमेशा फर्स्ट ही आती थी। अच्छा, पढ़ाई करने का जो रूटीन है, और भी बच्चे होंगे, आपकी बहन भी हैं, उनको कुछ रूटीन बताना चाहेंगे? बहुत ज्यादा किताबों में ही रहते थे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी? दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड्स कि चाहे बोर्ड से एक दिन पहले हो या नॉर्मल डेज हो, आई यूज्ड टू प्ले एवरीडे 2 hours। मेरे दोस्त वो तो पूरा दिन पढ़ते थे, किताबें रटते थे, चाट जाते थे, पर मैं खेलता भी था, मैं टीवी भी देखता था, मैं खेलता भी था, प्लेस्टेशन भी खेलता था, यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता था। फिर भी टॉप मार लिया। पर मेरे दोस्त नल्ले साले। आपने भी टॉप किया है तो आपको कैसा फील आ रहा? बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश। तो आपने तैयारी कैसी करी थी अपने एग्जाम? बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश, बिल्कुल इमोशनलेस, बहुत एक्साइटेड। फीलिंग आ ही नहीं रही उसको। आपको कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड। अरे भैया तुम्हें कब से क्या। तो अभी आगे का क्या प्लान है आपका? आगे मैंने पीसीएम लिया तो इंजीनियरिंग ही करना चाहता हूँ। रोक लो कोई इसको यार, बेचारे को। हर पीसीएम लेने वाला ये सोच लेता है, अच्छा मैंने 10th में मेरे पीसीएम में अच्छे आ गए तो फिर मैं साइंस ले लेता हूँ, फिर मैं इंजीनियरिंग ही कर लूंगा। गलत है भाई, ऐसा मत सोचो, मत सोचो। और इसी से रिलेटेड जो है वो है हमारी आज की स्टोरी टाइम। मतलब इससे रिलेटेड तो नहीं है। सो बेसिकली मैं भी वही हूँ जिसके पीसीएम में अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी सीजीपीए आ गई 10th में, तो फिर मैंने भी सोचा कि साइंस ले लेते हैं। हाँ, तो फिर 11th क्लास की ये स्टोरी है और बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी है। 11th क्लास स्टार्ट हुई थी एंड मैंने मैथ्स की ट्यूशन लगवाई थी। ट्यूशन टीचर का नाम था डीके गुप्ता सर, बहुत ही अमेजिंग टीचर थे वो। एंड डीके गुप्ता सर जो थे, अभी भी हैं, हाँ मतलब है मम्मी। और डीके गुप्ता सर जो है वो अभिषेक के वो मैथ्स के टीचर थे। अभिषेक उस वक्त था 9th में, मैं था 11th में। अभिषेक को स्कूल में मैथ्स पढ़ाते थे एंड मेरे वो मैथ्स के ट्यूशन टीचर थे। अब एक दिन क्या होता है, अभिषेक जो है स्कूल गया होगा एंड तभी इनका शायद बंक करने का प्रोग्राम बन रखा था। तो ये स्कूल पहुंचे वहां पे, लेकिन ये एंट्रेंस पे खड़े थे तो इनका बंक का प्लान जो था वो कंफर्म नहीं था, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो हाना वाली सिचुएशन होती है ना कि अब करना है नहीं करना है। अभिषेक अपने बैग में घर से सिर्फ कपड़े डाल के लेके गया था, कोई किताब भी नहीं थी। तो हाँ, और कपड़े वो इसलिए डाल के लेके जाता था, कहता मेरा फुटबॉल का मैच है। हाँ, और घर पे मम्मी को झूठ बोलता था कि उसका फुटबॉल का मैच है ये बोल के। बैग में सिर्फ कपड़े डाले हुए, किताबें है ही नहीं। और वो स्कूल पहुंच गया और गेट पे वहां पे खड़ा हुआ है एंड वहां पे अब ये सोच रहे हैं कि बंक करना है नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो एंड मोमेंट पे उनकी वो नहीं होती, वो डर लग रहा वाले टाइप के। मम्मी पापा से डरते हैं वो। हाँ जी मम्मी, बिल्कुल। तो वैसी वाली कंडीशन थी, तो इनका श्योर नहीं था कि बंक करना है या नहीं। और अल्टीमेटली क्या हुआ, टीचर्स वगैरह ने इसको गेट पे खड़े हुए देख लिया तो फिर इसको स्कूल में जाना ही पड़ा। अब ये स्कूल में पहुंच गया और फर्स्ट पीरियड इनका स्टार्ट होता है, जो था मैथ्स का ही ऑब्वियसली। और डीके गुप्ता सर जो थे वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं और तभी इनका ये हो गया डिसाइड कि अभी बंक करना है। कि फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होने से पहले इनका बंक करने का प्लान बन गया, लेकिन फिर सर आके पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब ये क्लास में अभिषेक बैठा सोच रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। बड़ी हिम्मत करके ये गया सर के पास और सर को बोलता है, बहाना सुनो सर, मेरे ताऊजी एक्सपायर हो गए हैं, क्या मैं घर जा सकता हूँ? और ताऊजी कोई है ही नहीं, सबसे बड़े तो इनके पापा ही है। तो मम्मी को तो पता है, आप लोगों को बता दे कि मेरे पापा जो है वो घर में सबसे बड़े भाई है, ताऊ कोई है ही नहीं हमारे, ठीक है। तो अब डीके गुप्ता सर बड़े टेंशन में आ गए क्योंकि वो हमें जानते थे, ऑब्वियसली वो मुझे भी पढ़ाते हैं, अभिषेक को भी पढ़ाते हैं, तो वो जानते हैं। तो वो बेचारे ऐसे घबरा गए कि अच्छा अच्छा चलो बेटा जाओ, और बहुत प्यारे सर थे तो उन्होंने भी ऐसा बोल दिया अच्छा अच्छा बेटा जाओ जाओ, और अभिषेक वहां से निकलता है और बंक करने चला जाता है। अब शाम को मैं ट्यूशन पे जाता हूँ डीके गुप्ता सर के घर, एंड वहां पे मैं क्लासेस में जैसे ही एंटर करा, सर मेरे को देख के हैरान हो गए। और ये भी अभिषेक भी स्कूल टाइम जो टाइम होता था उसी टाइम पे घर आया, आके सो गया, और इनकी आपस में दोनों की बात भी कोई बात हुई नहीं हमारी। और शाम को ट्यूशन का टाइम हुआ, ये ट्यूशन गया, जैसे ही मैं क्लासेस में एंटर किया डीके गुप्ता सर मुझे देखते हैं और एकदम सर का ना एक बड़ा वो क्या कहते हैं सिग्नेचर चपता है। सर मेरे को देखते हैं और कहते हैं मैंने कहा क्या हो गया? सर मुझे देखते हैं तू कैसे आ गया? मैंने कहा कैसे आ गया, पैरों पे आ गया? मैंने मतलब ऑब्वियसली ये नहीं बोला मैंने, पर हाँ मैंने कहा मैं आ गया सर, क्या हो गया? सर कह रहे हैं नहीं तेरे तो ताऊजी एक्सपायर हो गए थे तो मेरे को लगा तू आ जाएगा नहीं। और मैंने कहा सर कौन से ताऊजी एक्सपायर हो गए, मेरे तो कोई ताऊजी है ही नहीं, मेरे पापा सबसे बड़े भाई है, कौन से ताऊजी एक्सपायर करा दिया आपने मेरे? और सर का सामने से फिर से वही रिएक्शन है ये कौन से, ये कैसे हो गया भाई? मेरे को तो सुनने में आया तेरे ताऊजी एक्सपायर हो गए। अब मुझे कुछ पता नहीं कि अभिषेक ने ऐसे कुछ बहाना मारा है, और मैं यहाँ पे बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस में सर कोई गलत सुन लिया आपने, मेरे कोई ताऊजी है ही नहीं, मेरे को कौन क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? सर कह रहे हैं फिर वो कौन से ताऊजी है जो अभिषेक सुबह एक्सपायर करा के बंक पे चला गया? अरे ऑब्वियस मतलब बंक पे नहीं चला गया, उनको तो लगा वो घर चला गया, पर गया तो बंक पे ही। तो सर मेरे को बोल रहे हैं तो वो कौन से ताऊजी है जिनको एक्सपायर करा के सुबह वो स्कूल से निकल लिया, छुट्टी लेके आ गया घर आ गया। और तब मैं समझ गया कि उसने कुछ पंगा करा है। मैं चुप, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। मैं क्या एकदम से अपनी स्टेटमेंट बदल देता कि नहीं मेरे ताऊजी हैं, अभी पैदा हुए हैं सुबह सुबह। तो मैंने बोला तो ये घर आ गया सर मुझे नहीं पता। मैं ऐसा बहाना मार के क्लासेस खत्म हुई और मैं घर आया हूँ, और मैं घर आके अभिषेक को पूछता हूँ एक बात बता कौन से ताऊजी एक्सपायर हो गए हमारे? वो कह रहे तूने डीके गुप्ता सर को कुछ बताया तो नहीं? और मैंने कहा सुन ये बातें ना पहले बतानी होती हैं, मेरे को ऑन द स्पॉट के सपने आ रहे थे कि तूने ऐसा कुछ बहाना मारा होगा। क्या करा? कह रहा भाई मैं ऐसे बहाना मार के ना बंक करने चला गया, बस फिर आ गया सर का फोन। उसके बाद मम्मी को आया फोन सर का, फोन आया कि मम्मी पापा को बुलाया, और अगले दिन मम्मी गई है स्कूल। और सर ने फिर क्या बोला? मम्मी सर ने बोला कि ये आपका बड़ा बेटा तो इतना सिंसियर है, क्लासेस मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, अटेंड करता है, और ये जो आपका छोटा बेटा ये बहुत नॉटी है, कल इसने ऐसे ऐसे करा है तो क्या कल इसने अपने ताऊजी एक्सपायर करा दिए नहीं मैंने कभी स्कूल बंक नहीं किया। मैं देखो मैं मम्मी ऊपर का बटन भी बंद किया हुआ है, मैं कितना शरीफ हूँ, बिल्कुल देवानंद बन के बैठा हुआ है आज। यार मैं यहाँ पे सिंसियर स्टूडेंट के लिए बनने के लिए बटन बन के हुआ है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड नेक्स्ट वीक एक और स्टोरी टाइम आएगी। जी हाँ, ऐसी स्टोरीज आती रहेंगी। इस वीडियो को इस बात पे लाइक कर देना क्योंकि अगर इस वीडियो पे लाइक कर दोगे तो वो स्टोरी नेक्स्ट वीक आएगी। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।